सर गर्व से ऊंचा करें। अभी जो रिजल्ट परिणाम है वो आप लोगों को दिया जाएगा वन बाय वन करके, इसके बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे जो हमें गुड मिला या बेटर मिला या सेटिस्फैक्ट्री मिला या एक्सेलेंट मिला, हर तरह का ग्रेड मिला है। जिस तरह का आप लोग मेहनत किए हैं उसी तरह का आपका परिणाम भी आपके समक्ष अभी मिलेगा। आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत कीजिए आप लोग, मेहनत का ही फल मीठा होता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। ऐसी नहीं है जो आप लोग किसी को देख रहे हैं जो कोई एक्सेलेंट किया, दो मिनट पढ़ लेंगे और बेहतर कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे परिणाम आपको फेवर में नहीं होगा। तो बेहतर परिणाम के लिए आपको सकारात्मक मेहनत करने की आवश्यकता है और आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप ही के उम्र के बच्चे पढ़ लिख कर जब बड़े होते हैं तो कल के इंजीनियर, डॉक्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े बड़े उच्चस्थ पदों पर आसीन होते हैं। वो कहाँ से आते हैं? हमारे ही आपके परिवार, हमारे ही आपके विद्यालय से बच्चे पढ़ लिख कर जाते हैं। तो आप लोग यदि मेहनत नहीं करेंगे तो वो सपना साकार नहीं होगा। इसीलिए हम सभी शिक्षकों की ओर से आपको आशीर्वाद देते हैं, जो आप लोग मेहनत करें, पढ़ें और सकारात्मक उच्च पदाधिकारी के पद तक पहुंचे, ताकि हम सभी गर्वान्वित हों। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, आप ही लोग हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का रिजल्ट। आज आप लोगों का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। Cheers to all, be happy। आपने जैसा मेहनत किया है उस अनुरूप आपको फल मिल रहा है। और मदर फादर लाइक जैसे आपके पेरेंट्स हैं आपके घर पर, वैसे ही विद्यालय में हम शिक्षक आपके पेरेंट्स हैं और आपको अच्छी बातें ही बताएंगे, भले ही वो बातें अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है या नहीं समझना चाहते हैं, कल को तो समझ में आए। एज यू सो सो यू रीप, एक प्रोवर्ब है, एज यू शो सो यू रीप, मतलब आज ऐसा जैसा फल आप बीज डालेंगे जमीन में, पौधा कल आपको वैसा ही फल देंगे, वैसा ही फसल आप काटेंगे। तो आपने जैसा पढ़ा है उस रिगार्डिंग ही आपका रिजल्ट आया है। और जिनका एक्सीलेंट आया है, वेरी गुड आया है, सेटिस्फैक्ट्री आया है, इट डजंट मैटर एंड इट मैटर्स मोस्ट, ये मैटर भी करता है। और मैं कहूँगी इसको इतना सिर पर हावी नहीं होने देना है, बट ध्यान ये रखना है कि आगामी जो होगा परीक्षा वो एनुअल होगा। अभी पूरे साल जो आपने पढ़ा उसका रिजल्ट आया है तो उससे तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी जस्ट मैंने क्लासेस में बताए हैं कि आपके सामने में आपका आईना दिखाया जा रहा है, और आईना देखने का मतलब ये है कि हमारे चेहरे पर जो कुछ गलत है, बाल लटका हुआ है, आँख में कुछ लगा हुआ है, मुंह में कुछ लगा हुआ है, तो उसे साफ कर ले, यही मतलब होता है ना आईना का। कॉम्बिंग नहीं किया हुआ है तो कॉम्ब कर ले, ड्रेस टाई वगैरह ठीक नहीं है तो उसको थोड़ा सा अरेंज कर ले। इसीलिए हम जब पूरी तरह से तैयार होते हैं तो आईना देखते हैं। आज जो आईना है वो एक्चुअली आईना ही है कि अब अगला एग्जाम जो आपका आएगा तो तब तक आप अपना चेहरा निखार लो कि आपका चेहरा वहां पूरा निखरा हुआ, पूरा स्वच्छ, पूरा सुव्यस्त चेहरा नजर आए और वो रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो इसे आईना मानकर अगर आप अपने आप में सुधार लाएंगे और आईना ही माने, इसे हावी नहीं होने दे, समय है अभी आपके पास सुधार करने के लिए, एक से दो दिन भी काफी होता है अगर इंसान सुधरना चाहे, और नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। ठीक है, बी हैप्पी,
आप लोग वन बाय वन अपना रिजल्ट लेने आएंगे और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए कैसे आना है, रिजल्ट लेना है, फिर वापस कैसे जाना है, इस सब को ध्यान रखना है। आप इसको अपने डिसिप्लिन को अगर इग्नोर करेंगे आप कभी इंसान नहीं बनेंगे। डिसिप्लिन मेक्स अ मैन ग्रेट। सबसे पहली बात है अनुशासन। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको बोलने का तरीका नहीं है, आपको चलने का तरीका नहीं है, ऑल इन वेन, आपकी सारी विद्वता खत्म है। आप कम पढ़े लिखे हो लेकिन आप में इंसानियत है। आप अच्छी तरह अपने से बड़ों से कैसे बातें की जाती है, अपने से छोटों से कैसे बात की जाती है, अपने से समवयस्क के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये अगर आपके पास है तो आपको बहुत ज्ञान नहीं है फिर भी लोग समझ जाएंगे अरे ये कुछ है। कहना नहीं पड़ेगा आपको, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आपका व्यवहार बता देगा। इसीलिए इंसानियत सीखिए, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। लाइन से आएंगे, अपना रिजल्ट लेंगे, अपने टीचर्स के साथ क्या करना है पहले भी बताया गया होगा। परीक्षा फल प्राप्त करने के बाद अपने शिक्षकों को प्रणाम करते हुए और अपने जगह पर जाके फिर अरेंज हो जाना है, ठीक है।